हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू दी पाठशाला। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट पर। ये पार्ट वन है जिसमें मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ नए फॉर्मूले और कुछ ऐसे क्वेश्चंस कराऊंगा जो कि हमें एग्जाम में बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा जिससे कि हम डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन बहुत ही आसानी तरीके से कर ले जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। और हाँ, जो फ्रेंड्स IBPS क्लर्क की या RRB क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं बता दूँ कि सर पैटर्न बिल्कुल सेम रहता है, सिर्फ लेवल का डिफरेंस रहता है। आपको क्लर्क के पेपर में इजी टू मॉडरेट टाइप के क्वेश्चंस ही मिलेंगे। तो अगर आप मेरे वीडियोस देख रहे हो तो आप ये मत सोचो कि मैं सिर्फ PO लेवल या AO लेवल के क्वेश्चंस करा रहा हूँ। नहीं, मैं हमेशा बेसिक से ही स्टार्ट करता हूँ ताकि जो लोग क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं उनको कोई परेशानी ना हो। और सर वैसे भी आप अगर क्लर्क की तैयारी कर रहे हो तो आप इस वीडियो से आपको कोई नुकसान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैं ऐसी ट्रिक्स डिस्कस कर रहा हूँ तो जो आपको भी शायद हेल्प कर सकती हैं, है ना। अगर आपका पेपर में डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया तो आप क्या करोगे? कहोगे हमारे लेवल का नहीं है, ऐसा तो नहीं होगा ना, है ना। और वैसे भी आपने देखा होगा कि क्लर्क के लेवल का पेपर भी बढ़ रहा है ना, जो पहले पेपर आते थे उससे थोड़ा सा डिफिकल्ट ही बन रहा है। तो आप भी इन वीडियोज़ को उतने ही ध्यान से देखिए जितना कि जो PO और AO की तैयारी कर रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ रिवीजन करा देता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, याद रखिए अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं गिवन है तो CP हमेशा हम 100% ही मानेंगे। क्या मानेंगे? 100% हमेशा, अगर क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है तो। ठीक, CP क्या होता है? ये होता है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस मतलब जिस प्राइस पे या जिस रुपये पे हम चीज़ खरीदते हैं वो क्या होता है? कॉस्ट प्राइस। ठीक, और दूसरा क्या होता है? सेलिंग प्राइस, SP। SP क्या होता है? जिस प्राइस पे हम सामान बेचते हैं, ठीक, वो होता है सेलिंग प्राइस। ओके, सारा प्रॉफिट एंड लॉस का खेल इसी सेलिंग और कॉस्ट प्राइस पे ही टिका हुआ है। अगर आपको क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस पता चल गया, कॉस्ट प्राइस पता चल गया, आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। ठीक, फिर होता है प्रॉफिट या गेन, दोनों एक ही नाम है, तो प्रॉफिट कह लीजिए या गेन कह लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप खुद ही बताइए, आपने कोई चीज़ 5 रुपये की खरीदी और आपने वो चीज़ 10 रुपये की बेच दी तो आपको मुनाफा होता है ना, ठीक है। तो मुनाफा कब होता है? जब आपका सेलिंग प्राइस आपके कॉस्ट प्राइस से क्या होगा? ज़्यादा होगा। ओके फ्रेंड्स, और वो मुनाफा कितना होता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। इसका उल्टा क्या होता है? लॉस। सपोज़ आपने 10 रुपये की चीज़ खरीदी और वो चीज़ आपने 5 रुपये में बेचनी पड़ी आपको किसी भी कारण के वश, तो आपको क्या होगा? घाटा होगा ना 5 रुपये का। तो बस वही है, अगर सेलिंग प्राइस कम है, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, तो आपको क्या होगा? नुकसान होगा। और नुकसान भी कैसे निकालते हैं? दोनों का डिफरेंस, ठीक है फ्रेंड्स। फिर आता है गेन परसेंट और लॉस परसेंट। गेन परसेंट क्या होता है? अब याद रखिए फ्रेंड्स, जितने भी गेन परसेंट या लॉस परसेंट सब CP के ऊपर ही कैलकुलेट होते हैं, क्योंकि कॉस्ट प्राइस ही बताता है कि हमारा क्या होगा, गेन होगा कि लॉस होगा। तो गेन परसेंट क्या होता है? गेन अपॉन CP इनटू 100। लॉस परसेंट क्या होता है? लॉस अपॉन CP इनटू 100, ठीक है फ्रेंड्स। अब एग्जाम में आप ये फॉर्मूले वॉर्मूले नहीं लगाएंगे, है ना। अगर सपोज क्वेश्चन कहता है कि CP कितना है? 100 है ना, और गेन परसेंट कितना है? 20 का गेन परसेंट हो रहा है, तो आप ये फॉर्मूला लगा के SP नहीं निकालोगे, है ना। और क्वेश्चन कहता है सपोज SP निकालो, तो बाकी लोग क्या करते हैं? मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स क्या करते हैं कि फॉर्मूला लगाएंगे गेन परसेंट इज इक्वल टू गेन अपॉन CP इंटू 100। फिर गेन को क्या लिखेंगे? SP माइनस CP की वैल्यू पता है 100 अपॉन 100 इंटू 100। फिर वो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, दुनिया भर का काम करके वो SP निकालेंगे। ये तरीका नहीं करेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। आप डायरेक्टली सॉल्व करोगे कैसे? देखिए गेन परसेंट कितने का है? 20% का। तो अब दो वैल्यूज मिल गई आपको, एक मिल गई 100 और एक मिल गई 120, है ना। मैंने आपको क्या कहा? CP आप 100 मान के चलो हमेशा, तो आपको मिल गया 100 और 120, दो वैल्यू मिल गई ना। क्योंकि गेन है तो SP क्या होगा? ज़्यादा होगा ना CP से, तो आपका SP क्या आ जाएगा? 120 बटे 100 इंटू जो भी आपका कॉस्ट प्राइस है, डायरेक्ट करेंगे, ठीक। ऐसे ही अगर सपोज कहता 35% का लॉस हुआ है, 35% का क्या हुआ है? लॉस हुआ है, तो आपके दो वैल्यूज कौन सी मिल गई? एक तो 100 और दूसरी, क्योंकि लॉस है तो दूसरी वैल्यू 100 से कम आएगी, तो 100 में से 35 चल गया, कितना आ गया? 65, ठीक। आपको क्या निकालना है? सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा? 65, क्योंकि सेलिंग प्राइस कम होगा, बटे 100 इंटू कॉस्ट प्राइस, ठीक है फ्रेंड्स। डायरेक्टली करेंगे, ठीक है, आप फॉर्मूले वॉर्मूले के चक्कर में लगाएंगे क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट होगा। तो समझ गए आप कैसे वैल्यूज़ निकालेंगे?
100 मानेंगे कॉस्ट प्राइस और दूसरी वैल्यू, अगर लॉस है तो कम आएगी, गेन है तो ज़्यादा आएगी, ठीक है। और गेन के चक्कर में एसपी ज़्यादा होगा तो इसलिए बड़ी वैल्यू ऊपर लेंगे छोटी नीचे, लॉस में क्या होगा एसपी छोटा होगा तो छोटी वैल्यू ऊपर लेंगे बड़ी नीचे लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप आपको समझ में आया होगा और आप ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बिना फॉर्मूले के, ठीक है। तो चलिए मैं अब वो क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ जो कि एग्ज़ाम में आ चुके हैं और हमें बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, और हम इसी चक्कर में क्वेश्चन छोड़ देते हैं क्योंकि टाइम के कारण हमारी मजबूरी बन जाती है क्वेश्चन स्किप करना, ठीक है। तो मैं आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ। तो देखिए, अ डीलर सोल्ड टू टाइप्स ऑफ गुड्स फॉर 10,000 ईच। पहली स्टेटमेंट पढ़ी आपने, क्या देखा कि दो गुड्स बेचे डीलर ने 10,000 के, मतलब दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है। एक पे उसको लॉस हुआ 20% का और दूसरे पे गेन हुआ 20% का। तो पूछ रहा है ओवरऑल उसको क्या हुआ, लॉस हुआ कि गेन हुआ। देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ही भी ईजी है, ठीक है। ईजी क्यों है, क्योंकि इस पर एक ट्रिक छुपी हुई है, बस वो ट्रिक पहचाननी थी और आप क्वेश्चन 5 to 10 seconds में कर लेते। देखिए मैं क्या बताता हूँ, ये मैंने आपके लिए एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, बस ये स्टेटमेंट ही इस क्वेश्चन का आंसर है। ये क्वेश्चन क्वेश्चन पूरा जो है इस स्टेटमेंट के ऊपर ही टिका हुआ है, ठीक है। तो क्या कहता है, वेन एवर एस पी ऑफ टू आर्टिकल्स इज सेम, जब भी दो आर्टिकल्स का एस पी सेम होगा और प्रॉफिट और लॉस परसेंट सेम होंगे। देखिए यहाँ लॉस भी 20% का है और गेन भी 20% का है, तो जब भी लॉस और गेन परसेंट सेम हो और दोनों आर्टिकल्स के सेलिंग प्राइस सेम हो, तब क्या होता है, हमेशा लॉस ही होगा, ठीक है। तब कभी गेन नहीं होगा, हमेशा क्या होगा, लॉस होगा। और वो लॉस हम कैसे निकालेंगे, तो लॉस बराबर होगा एक्स स्क्वायर बटे 100। एक्स क्या है आपका, लॉस और गेन परसेंट, तो 20 × 20/100, तो आंसर क्या आ गया, 4%। तो ओवरऑल आपको क्या हुआ, 4% का घाटा हुआ। तो फ्रेंड्स था इस क्वेश्चन में कुछ, आप खुद ही देख लीजिए। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता होता तो आप एग्ज़ाम में इस क्वेश्चन में कितना टाइम लेते बताइए, विद इन 5 seconds हो जाता ना। देखा, अगर आपको ये ट्रिक पता है तो आप बाकी लोगों से कितने अलग हो गए, क्योंकि बाकी लोग तो इस क्वेश्चन को स्किप करेंगे या कम से कम 5 मिनट में तो सॉल्व करेंगे और आप सिर्फ 5 सेकेंड में, ठीक है फ्रेंड्स। तो बस यही डिफरेंस है आप में और लोगों में, ठीक है। तो बस आपको ये समझ में आया शायद, और अगर नहीं आया तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अगर आया है तो बस इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मैं सर आप लोगों को सिर्फ वही क्वेश्चंस करा रहा हूँ जो बहुत ज़्यादा ट्रिकी हैं। आप बेसिक क्वेश्चंस किसी भी बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि आपको, देखिए आप एक स्मार्ट वर्क करिए, अगर आप बेसिक क्वेश्चंस कर रहे हैं ठीक है, प्रैक्टिस के लिए अच्छा है, लेकिन आप सोचिए वो क्वेश्चन क्या एग्ज़ाम में आएंगे, है ना। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि बेसिक की प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए, जो लोग नई नई तैयारी कर रहे हैं उनको पहले बेसिक्स ही करने चाहिए, ठीक है। बेसिक्स के लिए आप कोई भी बुक लगा लीजिए, और अगर डाउट है तो आप मेरे फेसबुक पेज बैंकिंग विद राहुल शोरी में आप मुझसे जुड़िए और सारे डाउट्स आप मुझे वहाँ पोस्ट करिए, तो क्या होगा, मैं आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर दे दूंगा। और अगर ज़्यादा दिक्कत होगी तो मैं एक बेसिक्स के ऊपर पूरी अलग से एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या कह रहा है, अ मैन बॉट टू गोट्स फॉर ₹1,008, कि उसने दो गोट्स कितने में खरीदी, ₹1,008 में दो बकरियाँ खरीदी। इसने जब क्या किया, एक बकरी को 20% घाटे में बेच दिया जबकि दूसरी को 44% प्रॉफिट में बेच दिया। फिर क्या कह रहा है, इफ ईच गोट वॉज सोल्ड एट द सेम प्राइस, मतलब दोनों गोट्स को अगर सेम प्राइस पे बेचा जाता तो पूछ रहा है कि जिस गोट को घाटे में बेचा गया उसका कॉस्ट प्राइस क्या था, ठीक। समझ में आया क्वेश्चन, कि उसने दो गोट्स खरीदी, टोटल उसने ₹1,008 दिए। अब भले ही एक गोट ₹1,000 की आई हो, दूसरी 8 की आई हो, या एक 500 की आई हो, दूसरी 508 की आई हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एक को उसने 20% घाटे पे बेचा, दूसरी को 44% प्रॉफिट पे। तो वो पूछ रहा है कि अगर हर गोट को उसने सेम प्राइस बेचा, मतलब दोनों गोट को उसने चाहे ₹100 में बेच दिया हो, ठीक है, या एक गोट को ₹100 में दूसरे को भी 100 में, या एक गोट को 500 में तो दूसरी को भी 500 में बेचा सेम प्राइस पे, तो पूछ रहा है जिस गोट को उसने लॉस पे बेचा उसका सीपी कितना था, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। अभी देखिए आपको कॉस्ट प्राइस नहीं पता, ठीक, तो आप क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस मान लेंगे 100%, ठीक। पहली गोट में, ये पहली गोट लिख लेता हूँ, लॉस कितना है 20% का, तो आप क्या निकाल लोगे, एसपी निकाल लोगे ना, ठीक।
अभी मैंने आपको बताया था कि आप फॉर्मूला नहीं लगाओगे, 20% है तो आपके पास दो वैल्यू हो गई, 100 और 80, है ना। तो एस पी कितना हो गया, 80/100 इंटू कॉस्ट प्राइस, जो भी इस गोट का कॉस्ट प्राइस रहा होगा, तो इसको हम सी पी वन कह लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आ गया सेलिंग प्राइस। अब दूसरी गोट की बात करते हैं। दूसरी गोट में क्या कह रहा है कि प्रॉफिट कितना है, 44% का, तो आपका सेलिंग प्राइस कितना आ गया। अब देखिए 44% है तो फिर दो वैल्यू हो गई, एक हो गई 100 क्योंकि कॉस्ट प्राइस हम हमेशा 100% मानेंगे, और दूसरी होगी 144। तो एस पी क्या आ गया, 144/100 इंटू सी पी टू, जो भी कॉस्ट प्राइस रहा हो, है ना। हमें सी पी वन की वैल्यू निकालनी है, यही क्वेश्चन कह रहा है ना कि जो बकरी लॉस पे बेची गई उसकी कॉस्ट प्राइस बताइए। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि दोनों का कॉस्ट प्राइस, क्या कहता है कि दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, मतलब 80/100 सी पी वन बराबर किसके है, 144/100 सी पी टू के। तो इससे हम क्या निकाल लेंगे, दोनों का रेशियो निकाल लेंगे, है ना। 100 से 100 कट जाएगा, ये किससे कटेगा, 4 से, 20, 4 * 3 = 12 और 6 = 36, फिर ये कट जाएगा 4 से, 5 और 9, तो आपका रेशियो कितना आ जाएगा, 9:5। ठीक है ना फ्रेंड्स, कितना आ गया, 9:5। तो आपको क्या निकालना है, सी पी वन निकालना है ना, ये रेशियो किसका आया, सी पी वन और सी पी टू का। तो देखिए सी पी वन की वैल्यू क्या होगी, 9/9+5, यही करते ना फ्रेंड्स, जिसकी वैल्यू निकालनी है वो ऊपर, और नीचे क्या आता है, दोनों का सम, और किससे मल्टीप्लाई करते हैं, जो टोटल वैल्यू होती है, और टोटल वैल्यू कितनी गिवन है, 1008 रुपये, तो गुणे 1008। तो इससे आपका सी पी वन कितना आ जाएगा, निकाल लीजिए, 9/9 = 14 इंटू 1008, तो ये 2 7 से कटेगा, 2 5 0 4, 7 7 = 49 और 2, तो 72 × 9, 9 2 = 18, 9 7 = 63 और 6 4, तो आंसर क्या आ गया, 648। तो ये 648 किसका प्राइस है, उस बकरी का प्राइस है जो लॉस पे बेची गई। ठीक है फ्रेंड्स, तो था ना इजी, हमने बिना कोई फॉर्मूले के हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैंने ये लॉस से एस पी कैसे निकाला, ऐसे ही इधर कैसे निकाला, और आप भी एग्जाम में ऐसे ही सॉल्व करोगे। तो देखा फ्रेंड्स, क्वेश्चन में कुछ नहीं होता, बस आपके देखने का नज़रिया है कि आप कैसे देखते हो, और ये नज़रिया मैं आप में डेवलप कर दूंगा, है ना। बस आप मेरे वीडियोस डेली देखते रहिए ताकि आपका कोई कॉन्सेप्ट ना छूटे। तो चलिए, आई होप आपको समझ में आया होगा, और हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्या कह रहा है कि द प्रॉफिट अर्नड बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹1730 इज इक्वल टू द लॉस आफ्टर सेलिंग एट ₹1270। क्या कह रहा है कि अगर वो 1730 में बेचता है तो जो प्रॉफिट होता है वो किसके बराबर है, जब वो 1270 में बेचेगा तो उसको घाटा होगा, तो उस घाटे के बराबर प्रॉफिट है, तो एट व्हाट प्राइस ही शुड सेल 220% प्रॉफिट। देखिए फ्रेंड्स, कितना कंफ्यूजिंग है क्वेश्चन, है ना। नॉर्मल बच्चा जो होगा उसका तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होने वाला है, होने वाला है कि नहीं, है ना। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में कह रहा है गेन जो है वो लॉस के बराबर है, यही कह रहा है ना। और फ्रेंड्स याद रखिए, जब भी गेन और लॉस बराबर होंगे तो हमारा सी पी कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा बताइए। तो आप दोनों वैल्यूज़ को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक। तो जो सी पी निकलता है वो कैसे निकलता है, प्रॉफिट प्लस लॉस बटे 2, ठीक। प्रॉफिट कितना है, 1730, लॉस कितना है, 1270, और इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपका क्या आ जाएगा, सी पी आ जाएगा, और ये कितना आ गया, 1500 रुपये, ठीक है ना। हैरान तो नहीं हुआ ये कैसे आया। देखिए गेन क्या होता है, एस पी माइनस सी पी, और लॉस क्या होता है, सी पी माइनस एस पी, यही होता है ना, दोनों क्या है, बराबर। तब दोनों को सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो आपका क्या आ जाएगा, सी पी आ जाएगा, एस पी ये 1 मान लीजिए, एस पी 1 और ये एस पी 2, तो सी पी क्या आ गया, एस पी 1 प्लस एस पी 2 बटे 2, वही मैंने लिखा है, ठीक है। तो एस पी 1 प्लस एस पी 2 बटे 2, तो पहला आपका सेलिंग प्राइस 1730 था, दूसरा 1270 था, तो दोनों को ऐड करके 2 से भाग दे दीजिए, वही क्या आ जाएगा आपका, सी पी, ठीक। तो पी 1 प्लस इसको पी 2 कर लीजिए, ठीक है। तो ये आपका आ गया क्या, कॉस्ट प्राइस। क्या पूछ रहा है कि 20% प्रॉफिट चाहिए तो किसको किस प्राइस पे बेचे, ठीक। और मैंने आपको बताया था कॉस्ट प्राइस मतलब क्या होता है, 100%,
ठीक, तो 100% की वैल्यू कितनी है 1500। अब 20% प्रॉफिट लेना है, तो आपके पास दो वैल्यू कौन सी हुई, एक तो हो गई 100 और दूसरी होगी 120। तो प्रॉफिट के लिए आपको कितने में सेल करना पड़ेगा, तो आपको क्या निकालना है एसपी, तो वो हो जाएगा 120 बटे 100 गुणे 1500। ठीक, तो अब सॉल्व कर लेंगे, आंसर कितना हो जाएगा 1800। यही क्या आपका आंसर था ना फ्रेंड्स, इजी। बस इस बात को याद रखिएगा कि जब भी गेन और लॉस बराबर होंगे तो आपका सीपी कैसे निकलेगा, P1 प्लस P2 बाय 2। ठीक, P1 P2 मतलब जो आपके दोनों सेलिंग प्राइस है उन दोनों को ऐड करके 2 से भाग दे दीजिए। ठीक, तो बस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, अगर आपको ये पता होता आप बहुत आसानी से कर ले जाते। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए ये क्या कह रहा है, अ मैन सोल्ड टू आर्टिकल्स फॉर ₹600 ईच। देखिए ये पहले क्वेश्चन जैसा हो गया ना, जिसमें मैंने आपको क्या बताया था सेलिंग प्राइस सेम थे, देखिए वैसा ही कुछ आ गया कि दो आर्टिकल्स हैं उनके सेलिंग प्राइस कैसे हैं, सेम ₹600 ईच। ओके, फिर क्या कह रहा है, ऑन फर्स्ट सेलिंग फर्स्ट ही गेंस 20% एंड ऑन द अदर ही गेंस 30%, व्हाट इज द प्रॉफिट इन द ट्रांजेक्शन। तो बताइए फ्रेंड्स क्या आंसर होगा, क्या हम वो वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं जो हमने पहले डिस्कस किया है, नहीं ना, क्योंकि उसमें क्या बताया था मैंने कि दोनों प्रॉफिट परसेंट सेम होने चाहिए, यहाँ तो अलग अलग है ना, एक 20 है एक 30 है, तो वो फॉर्मूला आप नहीं लगा सकते। ठीक, यहाँ पे क्या है, ऑल दो आपके SP1 इज इक्वल टू SP2 है, लेकिन क्या आपके जो परसेंटेज गेन या लॉस है वो सेम है, नहीं है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो ट्रिक तो फेल हो गई। अब क्या करें, क्या हम बेसिक मेथड से करेंगे, नहीं फ्रेंड्स। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, और इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए क्या करना है, अब क्या करो आप, अब दोनों परसेंटेज को फ्रैक्शंस के फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। ठीक, परसेंटेज को किस में कन्वर्ट कर लो, फ्रैक्शंस में, तो 20% की वैल्यू क्या होती है 1/5, याद है ना मैंने आपको परसेंटेज कराया है, उसमें आपको मैंने बताया था कैसे कन्वर्ट करते हैं फ्रैक्शंस में, और 30% की वैल्यू क्या हो गई 3/10। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है, देखिए मैंने आपको बताया था कि गेन परसेंट मतलब होता है गेन अपॉन सीपी, यही होता है ना, इसका मतलब क्या हुआ, जो 5 है वो आपका कॉस्ट प्राइस है और 1 क्या है आपका गेन है, यही है ना, ऐसी 3 इधर क्या है गेन है और 10 क्या है कॉस्ट प्राइस है। ठीक, अब देखिए क्या करना है, आपको कॉस्ट प्राइस पता है, गेन और लॉस पता है, और आपको क्या निकालना है सेलिंग प्राइस। ठीक, पहले का कॉस्ट प्राइस है 5, गेन कितने का है 1 का, तो आपका सेलिंग प्राइस कितना आ गया ₹6 आ गया ना, क्योंकि सेलिंग प्राइस क्या होगा सीपी प्लस गेन। ऐसे दूसरे में सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस कितना है ₹10 है, प्रॉफिट है ना दूसरे में भी, तो प्लस लगा लीजिए प्लस 3, तो आपका एसपी कितना आ गया 13। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आया ना हमने कैसे सीपी निकाला कैसे गेन निकाला। देखिए 20% था आपका प्रॉफिट परसेंट, ठीक, प्रॉफिट परसेंट क्या होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी, यही फॉर्मूला होता है ना फ्रेंड्स। तो देखिए डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा आपका सीपी और न्यूमरेटर क्या हो जाएगा प्रॉफिट, वही लिखा है मैंने। अब क्वेश्चन कह रहा है कि सेलिंग प्राइस सेम है ना, तो देखिए इधर 6 है इधर 13, दोनों को सेम करना है, तो कैसे करेंगे, इस इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 13 से, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 6 से, है ना, तभी आपकी इक्वल हो जाएंगे ना सेलिंग प्राइस। तो देखिए क्या बन गई पहली इक्वेशन, 5 को 13 से मल्टीप्लाई किया 65, इधर प्लस 13 और 13 छके 78, ऐसी 60, 6 3 18, ठीक, और इधर 78। ठीक, आपके दोनों सेलिंग प्राइस कैसे हो गए सेम हो गए। अब क्या पूछ रहा है, प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है ना ओवरऑल ट्रांजेक्शन पे, तो आपका टोटल सीपी कितना आ गया 60 प्लस 65 125, टोटल गेन कितना आ गया 18 प्लस 13 31। ठीक, क्या निकालना है प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो प्रॉफिट परसेंट क्या होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, प्रॉफिट है 31 का, सीपी है 125 इंटू 100, ये क्या आ गया आपका ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट। सॉल्व कर लीजिए 25 5 25 4, कितना आ गया 124/5%। ठीक, तो यही क्या है आपका आंसर, इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख लीजिए, तो क्या आएगा 5 2 10, 5 4 20, 4/5%। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्या आ गया आपका आंसर,
तो देखा था ना शॉर्टकट मेथड, अगर आप बेसिक से करने जाते हो तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता लगता कि नहीं। तो बस आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, एक नोट बना लीजिए कि आपको अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है तो आप उसको ऐसे ही करेंगे, ठीक है ना फ्रेंड्स? आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन इसी में होता है, मोस्टली पीपल इसी क्वेश्चन में कन्फ्यूज़ होते हैं, ये ऑरेंज वाले चक्कर में, है ना, क्या खरीदा क्या बेचा, लोगों को समझ में नहीं आता है। तो देखिए फ्रेंड्स, क्या करना होता है ऐसे क्वेश्चन में, क्या कह रहा है? अ मैन बॉट अ नंबर ऑफ ऑरेंजेस एट 3 for a rupees। उसने क्या कह, उसे कह रहा है कि एक आदमी ने संतरे खरीदे किस रेट पे? 1 रुपये के 3। ठीक, 3 for a rupees कह रहा है ना, मतलब 1 रुपये के 3 संतरे खरीदे। और ऐसे ही उसने एक दूसरे टाइप के संतरे खरीदे जो 1 रुपये के 2 मिल रहे थे। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन कि उसने 2 टाइप के संतरे खरीदे। एक संतरा वो था जो 3 रुपये में 1 रुपये का 3 मिल रहा था, और एक संतरा वो था जो 1 रुपये का 2 मिल रहा था। और उसने जो दोनों संतरे हैं वो इक्वल नंबर के खरीदे, मतलब अगर पहला संतरा उसने 10 खरीदा तो दूसरे संतरे भी उसने 10 ही खरीदे। ओके, तो क्या कह रहा है कि उसको कितने प्राइस पे बेचना चाहिए ताकि उसको 20% प्रॉफिट हो। तो जिसने संतरे खरीदे हैं उसको किस प्रकार बेचे डजन का, ठीक, कि वो 12 संतरे होते हैं ना एक डजन, तो वो 12 संतरे किस रेट पे बेचे कि उसको 20% का प्रॉफिट हो। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, बस स्टेप्स फॉलो करिए, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस की स्टेटमेंट ही बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होती है, लड़के समझ ही नहीं पाते कि क्वेश्चन कह क्या रहा है ना, तो वहीं कन्फ्यूजन हो जाता है। तो बस देखिए फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करते हैं। देखिए अभी हमें नहीं पता कि उसने कितने संतरे खरीदे, नहीं पता ना, लेकिन हमें पता है कि एक संतरे का रेट कैसा है, 1 रुपये का 3, और दूसरा कैसा है, 1 रुपये का 2। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे, अब इन दोनों का एलसीएम ले लो, किन का, 3 और 2 का, कितना आ गया, 6। तो आप मान लो उसने कितने संतरे खरीदे, 6 ऑरेंज खरीदे। ठीक है फ्रेंड्स, पहला समझ में आएगा हमने क्या किया, अगर क्योंकि हमें नहीं पता ना कि उसने कितने संतरे खरीदे हैं, तो आप क्या करो इन दोनों का एलसीएम ले लो। ठीक, तो आ गया 6, इसका क्या मतलब हुआ कि उसने 6 संतरे खरीदे। ठीक है, अब देखिए जो पहले टाइप का संतरा था वो कैसे बिक रहा था, 1 रुपये के 3 बिक रहे थे, है ना, 1 रुपये के 3। अगर 6 संतरे उसने खरीद लिए तो अगर 3 संतरे 1 रुपये के हैं तो 6 संतरे कितने के हो गए, 2 रुपये के। ठीक, तो 6 संतरे कितने के हो गए, 2 रुपये के। ऐसे दूसरे प्रकार का संतरा देखिए, वो संतरा कैसा बिक रहा था, 1 रुपये का 2। ठीक, तो 2 संतरे थे 1 रुपये के, खरीदे कितने, 6, तो 6 संतरे कितने के हो गए, 3 रुपये के। ठीक है, तो एक संतरा हो गया 2 रुपये का और ये ले संतरे कितने के हो गए, 3 रुपये के। तो टोटल दोनों को ऐड कर दीजिए, है ना, तो आपके 12 संतरे कितने के हो गए, 5 रुपये के, है ना। आप सोच रहे हो कि हमने ऐड क्यों किया, देखिए क्वेश्चन कह रहा था कि एक डजन का प्राइस निकालिए, तो एक डजन में कितने संतरे होंगे, 12, तो हमें 12 संतरों का प्राइस निकालना पड़ेगा, इसलिए मैंने 6 संतरे इस ये वाले पहले टाइप के और 6 संतरे दूसरे टाइप के कंसीडर किए। ठीक है ना, क्योंकि हमारा एलसीएम 6 आया था, तो इसका मतलब क्या था कि 6 6 संतरे उसने खरीदे। ठीक, तो 12 संतरे हो गए 5 रुपये के, फाइन। अब वो क्या कह रहा है कि इन 12 संतरों को किस दाम पे बेचे कि उसको 20% का प्रॉफिट हो। क्या करना है, प्रॉफिट 20% का, तो आपके पास कितनी वैल्यूज आ गई, 2, एक तो हो गई 100 और दूसरी हो गई 120, तो सेलिंग प्राइस क्या आ गया, 120 बटे 100, और गुणा क्या करेंगे, 5। ठीक, तो आपका आंसर आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, 6। तो 6 रुपये पर डजन अगर वो बेचेगा तो उसको क्या होगा, 20% का मुनाफा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो था ना इजी, इजी इसलिए हो गया क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि कैसे करना है। तो जब भी आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन दिखे बस आप एलसीएम मेथड फॉलो कीजिएगा। ठीक, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये भी क्वेश्चन बहुत इजी है, आप अगर आपको समझ में आया होगा पिछला क्वेश्चन तो आप ये क्वेश्चन भी बहुत ही आसानी से कर ले जाएंगे। देखिए क्या करना है इसमें, क्या कह रहा है, अ पर्सन कैन बाय 35 चेयर और 28 टेबल इन अ सर्टेन अमाउंट। ठीक, क्या कह रहा है कि एक आदमी या तो 35 कुर्सी या 28 टेबल खरीद सकता है किसी अमाउंट के, वो हमें नहीं पता कितना है।
ठीक, चलो देखते हैं आगे। फिर क्या कह रहा है? ही कीप्स 10% ऑफ द अमाउंट फॉर ट्रांसपोर्टेशन, कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए पहले ही 10% अमाउंट रख लेता है। चलिए मान लिया। फिर क्या कह रहा है? इफ ही परचेजेस 14 चेयर एंड सम टेबल विद द रिमेनिंग अमाउंट, फाइंड द नंबर ऑफ टेबल ही परचेजेस। ठीक है, तो पिछले जैसा ही कुछ क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें भी हम क्या करेंगे, अभी हमें नहीं पता ना उसके पास कितना अमाउंट है तो कैसे निकालेंगे, लेकिन हमें इतना पता है कि वो 35 चेयर या 28 टेबल खरीद सकता है। तो आप क्या करिए, इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, है ना, एलसीएम ऑफ 35 और 28 कितना आ जाएगा। अगर आप इन दोनों का एलसीएम लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको एक क्वांटिटी मिल जाएगी, एक अमाउंट मिल जाएगा जिसमें कि वो ये खरीद सकता है, 35 चेयर खरीद सकता है या 28 टेबल खरीद सकता है। ठीक है, तो आप देखिए 35 और 28 का एलसीएम कैसे निकालेंगे। अब 35 का मल्टीपल देख लीजिए, 35 का डबल होता है 70, और 35 दिए कितना होगा 105, और 35 चौके, 35 चौका क्या होगा 140, 140 इसका क्या आ जाएगा एलसीएम, क्योंकि 140 28 से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये आ गया 140। अब 140 उसके पास अमाउंट है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, 10% उसने ट्रांसपोर्टेशन मतलब आने जाने के लिए बचा लिया, तो इसका 10% कितना हो गया, जो भी है 10% किनारे कर लीजिए, अगर 10% किनारे कर लिया कितना बचा 90%, तो 90% ही खर्च कर सकता है। ठीक, अभी आपको क्या करना है, एक चेयर और टेबल का प्राइस निकाल लीजिए, टोटल प्राइस है 140, उस प्राइस में वो 35 चेयर खरीद सकता है और 28 टेबल, तो 35 चेयर अगर 140 की हैं तो एक चेयर का प्राइस कितना हो गया 140 बटे 35, यही हो गया ना, तो 35 चार से जाएगा। ठीक है, 4 5 20 4, ठीक, तो चार क्या आ गया, एक चेयर की कीमत 4 रुपये आ गई। ऐसे आप एक टेबल की कीमत निकाल लीजिए, वो कैसे आएगी 140 बटे 28, 28 5 × 140, तो 5 रुपये क्या हो गई एक टेबल की कीमत। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ तक समझ में आया। सबसे पहले हमने क्या किया, एलसीएम लिया, उससे हमें क्या मिल गया, उसके पास कितने पैसे थे, है ना। फिर हमने क्या किया, एक चेयर और एक टेबल की कीमत निकाल ली, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा था कि वो उस पैसों में 35 चेयर और 28 टेबल खरीद सकता है, या 35 चेयर खरीद सकता है या 28 टेबल, तो हमने एक चेयर और एक टेबल का प्राइस निकाल लिया। अब वो कह रहा है वो 14 चेयर खरीदता है। ठीक, 14 चेयर खरीदेगा, तो एक चेयर है 4 रुपये की, तो 14 चेयर की कीमत कितनी हो गई, 14 चौके कितना हो गया 56। ठीक, तो 14 चेयर उसने खरीद ली और कुछ टेबल खरीद लिए। फिर कह रहा है कितने टेबल खरीदे, देखिए 140 रुपये कुल थे उसके पास। ठीक, इसका वो सिर्फ 90% ही खर्च कर सकता है, क्योंकि 10% तो उसने ट्रांसपोर्टेशन के रख लिया, बचा 90%, तो 90% ही वो खर्च कर सकता है। ठीक, इतना खर्च कर सकता है, इतना उसने खर्च कर दिया तो कितना बचा -56। ठीक, इतने पैसों की क्या खरीदेगा, वो टेबल्स खरीदेगा। ठीक है, तो देखिए 14 × 90%, तो 10% हो गया 14, और 140 में से आप क्या करिए 14 माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा 126। ठीक, उसमें से 56 चला गया, तो कितना बचा 70। अब 70 में वो कुछ टेबल्स खरीद रहा है ना। अब एक टेबल की आपको कीमत पता ही है कितनी है, 5 रुपये, तो 70 रुपये में कितनी टेबल आ जाएगी, 70 को 5 से भाग दीजिए, आंसर क्या आ गया 14। तो ही क्या सर आपका आंसर। ठीक है फ्रेंड, समझ में आया, देखिए इतना समझ में आया ना कि एक चेयर की टेबल की कीमत कितनी है, एक टेबल की कीमत कितनी है। ठीक, अब देखिए उसके पास टोटल 140 रुपये हैं, 10% उसको ट्रांसपोर्टेशन के लिए चाहिए, तो 10% छोड़ के कितना बचता 90%, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो 140 का सिर्फ 90% ही खर्च कर सकता है। 14 चेयर उसने खरीद ली, एक चेयर की कीमत थी 4 रुपये, तो 14 × 4 कितना हो गया 56, मतलब 56 रुपये उसने चेयर में कर दिए, इन्वेस्ट कर दिए। अब कितने बचे, इतने वो खर्च कर सकता था, इतने खर्च कर चुका है, तो जो बचेगा उसके वो क्या खरीद लेगा टेबल, तो कितने बचे 70 रुपये, 70 के उसको क्या खरीदने टेबल, एक टेबल की कीमत है 5 रुपये, तो 70 को 5 से भाग दे दीजिए, क्या आ गया 14, तो उसने कितने टेबल खरीद लिए 14 टेबल खरीद लिए। ठीक है फ्रेंड्स, था इजी। तो जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन दिखे आप एलसीएम मेथड ही फॉलो कीजिए, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या कह रहा है,
अ रिटेलर बॉट 150 पेंस एंड 120 पेंसेस एट द सेम प्राइस. ठीक, दोनों का क्या है, एक सेम प्राइस है, 150 पेन एक और 120 पेंसिल का. ओके, बॉट किया मतलब सीपी कह रहा है. फिर क्या कह रहा है कि ही सेल्स पेंस इन सच अ वे डैट ही कैन बाय 5 पेंस विद द सेल प्राइस ऑफ 3 पेंस. ठीक है, कि वो 5 पेन खरीद सकता है किससे, जब वो 3 पेन बेचेगा. मतलब क्या हुआ कि 5 पेन खरीद सकता है मतलब सीपी ऑफ 5 पेंस है ना, वो किसके बराबर है, जब वो 3 पेन सेल प्राइस ऑफ 3 पेंस, वो 3 पेन के एसपी के बराबर है ना, 3 पेन बेचता है और उसमें 5 पेन खरीद लेता है. तो बताइए फ्रेंड्स, इसमें गेन होगा कि लॉस. 5 पेन जिस सपोज क्या 10 रुपये हैं, 10 रुपये में वो 5 पेन खरीदता है ना, लेकिन 10 रुपये में वो 3 पेन बेचता है. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो गेन कर रहा है ना, तो वो गेन में है. तो गेन परसेंट क्या होगा, गेन मतलब एस पी माइनस सी पी अपॉन सी पी. देखिए गेन में क्या होता है, एस पी बड़ा होता है ना हमेशा. यहाँ पर एक वैल्यू 5 है और एक वैल्यू है 3, तो बड़ी कौन सी हुई, 5 में से गया 3 अपॉन सी पी है 3 इंटू 100, तो ये कितना आ गया, 200/3%. ठीक, आगे पढ़ते हैं. अगेन ही कैन बाय ओनली 4 पेंसिल्स विद द सेल प्राइस ऑफ 6 पेंसिल्स. वो कह रहा है सी पी ऑफ 4 पेंसिल, पेंसिल के लिए क्या हिसाब है कि सी पी ऑफ 4 पेंसिल किसके बराबर है, एस पी ऑफ 6 पेंसिल्स. मतलब बेचता ज़्यादा है और ख़रीदता कम है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो लॉस में है ना. सपोज आपके 10 रुपये हैं, आप 10 रुपये में 4 पेंसिल खरीद सकते हो. ठीक, तो आपकी एक पेंसिल की कीमत कितनी हुई, 2.5 रुपये हुई. लेकिन अगर वो 10 रुपये में 6 पेंसिल बेच रहा है, ठीक है, तो एक पेंसिल की कीमत कितनी हुई, 10 को आप 6 से भाग दे दीजिए, 1.4 के करीब हुई है ना, मतलब 1.5 रुपये हुई. खरीदता 2.5 रुपये में है, बेचता 1.5 रुपये में है, तो लॉस है ना सर. तो लॉस कैसे निकलेगा, अब देखिए आपके पास दो वैल्यू हैं 4 और 6. लॉस में क्या होता है, एसपी छोटा सीपी बड़ा, तो 6 हो गया सीपी, 4 हो गया एसपी. तो 6-4 अपॉन 6 × 100, तो ये कितना आ गया, 100/3%. ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं. सबसे पहले लाइन में कह रहा था कि पेन और पेंसिल का क्या है, कॉस्ट प्राइस सेम है ना, तो आपको ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस परसेंट निकालना है. देखिए फ्रेंड्स, एक और स्टेटमेंट याद रख लीजिए, जब भी व्हेन सीपी वन इज इक्वल टू सीपी टू, जैसे मैंने आपको एसपी में बताया था पहले क्वेश्चन में कि जब भी सेलिंग प्राइस सेम होंगे हम क्या करेंगे, और साथ में ये भी बताया था कि प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट सेम होगा तो हमेशा लॉस होगा. ऐसी एक और ट्रिक है फ्रेंड्स कि जब भी कॉस्ट प्राइस सेम होंगे दो चीज़ों के, तो जो अभी आपका ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट होगा या जो भी ओवरऑल लॉस परसेंट होगा वो कैसे निकलेगा, जो दोनों आपके निकलेंगे प्रॉफिट या लॉस परसेंट, एक ये निकला एक ये निकला, इनको सिंपली ऐड कर दीजिए और 2 से डिवाइड दे दीजिए, तो पी प्लस माइनस एल बाय 2. प्रॉफिट होगा तो आप प्लस में लेना, लॉस होगा तो माइनस में. अब दूसरा लॉस है ना, तुम क्या लेंगे, -100/3/2, तो कितना आ गया, 100/3×2, तो ये क्या आ गया, 50/3%. और इसको होल फ्रैक्शंस में लिख लें तो क्या आ जाएगा, 16/3%. ये क्या आ गया, आपका ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट आ गया. प्रॉफिट क्यों आया, क्योंकि ये प्लस में वैल्यू आ रही है, माइनस में आती तुम्हारा क्या होता, लॉस होता. ठीक है फ्रेंड्स, तो बस ये चीज़ याद रखिएगा कि जब भी कॉस्ट प्राइस सेम होंगे दो आर्टिकल्स के, तो हमारा प्रॉफिट ओवरऑल जो निकलेगा वो जितने भी प्रॉफिट लॉस है उनको सिंपली ऐड कर दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए है ना, वरना अगर आपको ये चीज़ नहीं पता होगी आपका बहुत ज़्यादा टाइम एग्जाम में वेस्ट हो जाएगा. ठीक है ना, तो आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा. आज के जो मैंने क्वेश्चंस कराए हैं वो एग्ज़ाम में आ चुके हैं, और ऐसे क्वेश्चंस हैं सर कि आप एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हो है ना, हो जाते हो कि नहीं, तो इसलिए मैं आपके लिए क्वेश्चंस लेकर आया था. और बेसिक की आप टेंशन मत लीजिए, अगर आपको बेसिक का नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि मैं आपको बेसिक भी करा दूँगा. ठीक है, और हाँ फ्रेंड्स, DI मैं आपको करा ही रहा हूँ तो उसकी चिंता मत करिए, बस अब आप प्रैक्टिस करते रहिए है ना, क्योंकि आप मेरे भरोसे इसलिए रहिए. देखिए मैं आपको गाइडेंस प्रोवाइड कर रहा हूँ, मेरी वीडियोस आप देखते रहिए, लेकिन प्रैक्टिस तो आपको ही करनी है ना, वो मुझे तो नहीं करनी ना, वो आपको ही करनी है. तो बस मेरे वीडियोस को देख के वो गाइडेंस लीजिए कि आपको किस डायरेक्शन में चलना है, लेकिन चलना आपको ही है, तो
तो प्लीज फ्रेंड्स प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस ही आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगी, है ना। और मैं तो आपके साथ हमेशा ही हूँ, आपको कभी भी कोई दिक्कत हो आप मुझे ज़रूर बताइएगा और मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। तो चलिए, तब तक के लिए बाय बाय।